हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम इंटरेक्ट करने वाले हैं गेट 2022 के एक एस्पिरेंट से जो कि गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं, आकाश पांडे, और जानते हैं उनका गेट जर्नी कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया और जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे, तो उनकी पूरी जर्नी जानते हैं आकाश से। तो आकाश, हेलो आकाश। हेलो सर, कॉन्ग्रेट्स कि आपने ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो हमारा ब्रांच है उसमें 603 रैंक आप लेके आए, और आपका जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं ऑफ वीडियो भी सुन रहा था आपके बारे में। तो शेयर करते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ आपकी जर्नी। तो मैं आकाश आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो आपका प्रिपरेशन है, जो आप यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं और आपने बीटेक कहाँ से किया है, वहाँ से आप थोड़ा स्टार्ट कीजिएगा और आपकी जर्नी गेट की किस तरीके से रही और कितने साल आपने प्रिपरेशन किए और आपके प्रिपरेशन में कौन कौन से ऐसे मोड़ आए जहाँ पे आपने अपना फैसला लिया कि मुझे नई गेट ही करना है, क्योंकि आपसे बातें करके मुझे पता चला कि आप वर्किंग भी है, तो इन सब के बारे में स्टूडेंट से थोड़ा सा बात कीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पूरी स्कूल की पढ़ाई जो है 12th तक गोरखपुर से की, फिर मैंने जेई के लिए भी ड्रॉप नहीं लिया, साथ ही साथ मैंने जेई मेंस क्रैक करके NIT दुर्गापुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। सर मैंने मतलब 4 साल तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में जम के पूरी मेहनत की। मैं ड्रामेटिक्स क्लब में रहा, तो क्या बोलते हैं, दिन रात सर नुक्कड़ नाटक हम लोग करते रहते थे, और साथ ही साथ मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं एकदम डिवोटेड था अपने स्टडीज़ के थ्रू, लेकिन मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं हमेशा मेरा हाथ रहता था, कॉलेज के इलेक्शंस और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में सर। फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट्स का आने लगा, मतलब PC मैंने तो पहले डिसाइड कर लिया था कि 3rd ईयर में वही सर चॉइस रहती, या तो IT सेक्टर में आदमी चले जाओ या तो कोर में मैनेज करो। तो सर मैंने मतलब उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि कोडिंग सर मैंने की थी, मैंने 11th 12th में पाइथन पढ़ा था, 9th 8th 9th 10th में जावा पढ़ा था, लेकिन सर मुझे मतलब बिल्कुल कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था मैं कोडिंग नहीं कर पाता था, लेकिन मतलब सर कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे अच्छा लगता था, तो सर मैंने वही परस्यू किया। और थोड़ा थोड़ा सर जैसे सर मैंने बताया है कि मेरी जो दीदी थी, बड़ी दीदी, वो सर NIT रायपुर से पास आउट थी, तो सर वो आपसे पढ़ी हुई थी, आपसे, डांडे सर से, गुरुपाल सर से, सूर्य सर से, सबसे पढ़ी हुई थी वो, तो मुझे मतलब बताती रहती थी कि मतलब गेट भी मतलब अच्छा स्कोप है। उन्होंने खुद IT इंडस्ट्री से चुनी, लेकिन वो मतलब ऐसा भी नहीं था कि मुझे भी बोलती रहती थी कि अगर IT में स्कोप है, IT में स्कोप। जब मैंने बोला कि मुझे गेट करनी है, तो उन्होंने बोला कि गेट अकेडमी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए, तो वहीं से पढ़ी थी। उनके कॉलेज बोलिए सुबह क्लासेस चलती थी गेट की, और फिर शाम उसके बाद वो लोग कॉलेज चले जाते थे, तो अच्छे से मैनेज हो जाता था, और उनके साथ वाले ने भी कई अच्छी रैंक निकाली थी। तो सर मतलब ये इसी की वजह से मैं थोड़ा गेट अकेडमी की तरफ इंक्लाइंड हो गया था, तो यू को फॉलो कर, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे मिलते थे जो मतलब अगर मैं बुक पढ़ता तो कभी कुछ समझ ही में नहीं आता था, तो वैसे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिंपलर होते गए सिंपलर होते गए। और मतलब अब ये होता है ना कि सर आप एक टीचर की किसी बात समझते हैं तो आप दूसरे टीचर अगर की फॉलो करते हैं तो उसी के लैंग्वेज समझते समझते टाइम निकल जाता है। ऐसे रहता है कि एक KVL सीधा चला, ट्यूनिंग की बात होती है जी सर। और सर मतलब मेरे ऐसे दोस्त कहते थे कि ये अच्छा पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट के लिए ये है, इस सब्जेक्ट के लिए वो है, लेकिन सर मतलब मैं ये तो सर है कि मुझे ये पता था कि किसी टीचर से अगर पढ़ना है तो मतलब एकदम खुले दिमाग से पढ़ना पड़ता है, एकदम जो बिल्कुल है मतलब अपने आप ग्राउंड जीरो, भले आप कितना भी जानते हैं कितना भी पढ़े हैं, तो मतलब अगर एक बार टीचर के फील को पकड़ लिए तो फिर मतलब वो आखिरी तक उससे पढ़ सकते हैं। और एक अच्छा स्टूडेंट सर वही होता है जो मतलब खराब से टीचर से भी अपने मतलब जो उसको पढ़ना है, जो उसको जानना है, वो निकलवा लो। सर मतलब मैंने वही सोचा कि सर सबसे सब लोग यही जानता था कि हर हमने भी सर JEE की कोचिंग की है, हम भी जानते हैं कि किसी भी कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों बेस्ट हो ही नहीं सकते, किसी में फिजिक्स अच्छा रहता है, किसी में मैथ्स अच्छा रहता है, तो ऐसा भी नहीं सर कितने भी कोचिंग हो गेट के, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट एकदम टॉप लेवल के किसी भी,
तो मैं भी नहीं, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जिसमें है वही उसी को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो सर मतलब, और मतलब बाकी सब सब्जेक्ट में भी मतलब अपने इनपुट के ऊपर है, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा, उतनी एफिशिएंसी को। तो सर मतलब यही मैंने सोच के किया। मैंने सर फर्स्ट अटेम्प्ट किया था बिना प्रिपरेशन के, मेरी आई थी 2021 में 1100 रैंक है। तो सर मतलब मैंने उस टाइम एमटेक का, मुझे एमटेक मिल जाता अगर मैं काउंसलिंग बैठता, लेकिन सर मैं सोचा था कि एक और अटेम्प्ट लूँगा। और इसके लिए मैंने ऑफलाइन के लिए गेट अकेडमी के लिए अप्लाई किया था, और मुझे कुछ रैंक और एनएसटी के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी 25,000 ऑफ की। सर ऐसे ही सर आगे बढ़ते गए, मेरी प्लेसमेंट लग चुकी थी तब तक, लेकिन कोर में ही लगी थी। लेकिन सर एक रहता है ना कि जैसे मेरे मन में सर एक वो था कि कि सर कोई मतलब आप कोई चीज़ सोचते हैं और वो अचीव करनी रहती है, लेकिन आप उसमें फुल फ्लेज अटेम्प्ट नहीं दिया। तो मैंने सर अभी लास्ट ईयर गेट में 2021 में अपना फुल फ्लेज अटेम्प्ट दिया था। मतलब कि ऐसा जेई के टाइम वाली जो डेडिकेशन रहती थी कि अगर मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं तो 12 घंटे पढ़ के उठा, ऐसा अटेम्प्ट मैं दे नहीं पाया था 2020 में अपनी फुल कैपेसिटी। तो सर यही सोच के मैंने सोचा था कि मैं आराम से जाऊँगा भिलाई बैठ के। और मेरी दीदी रायपुर छत्तीसगढ़ में रही थी, तो भिलाई बिलासपुर में बोली थी, सब लोग शांत इलाका, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने अपना पूरा मूड सेट कर लिया था, जाऊंगा गेट की आँख बंद करके, किसी से बात नहीं करूंगा, बस एक ही टीचर है उनको फॉलो करूंगा और सब कुछ करूँगा। सर मेरा तो पूरा प्रिपरेशन था, लेकिन सर ऐसा हुआ कि कोविड की वजह से डिले हो गया, कि ऑफलाइन क्लासेस जो खुलने वाली थी 1 अप्रैल से वो खुल नहीं पाए। तो एक महीने बोला गया कि अभी ऑनलाइन ही चलेगा। और मेरे घर में भी बहुत लोगों को कोविड हो गया था, मुझे सर खुद कोविड हो गया था। तो सब मतलब फैमिली वालों से बात किया, तो फैमिली वाले सब लोग बोले, मम्मी मेरी बोली कि बेटा भी तो जॉब कर लो। हाँ साथ साथ बहुत लोगों की जॉब चली गई थी कोविड में, तो थोड़ा पॉसिबल देखते रह गए। मैंने सोचा जॉब, लेकिन सर ऐसा रहता था कि मेरी जॉब खत्म होती थी 6:30-7 बजे, उसके बाद मुझे याद है सिग्नल सिस्टम की 6 से 9 क्लास चलती थी। उसके बाद मैं 4 घंटे लगातार क्लास करता था। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे आदत ही नहीं थी 8 घंटे 9 घंटे क्लास की, लेकिन सर मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब अगर आप टीचर के साथ बने रहते हैं तो एकदम पता ही नहीं चलता है कब क्लास स्टार्ट हुई कब क्लास खत्म हुई। बस सर सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके बाद सोमन सर का EMT स्टार्ट हुआ, फिर एक सब्जेक्ट रहता था, एक शिफ्ट करता था। जब मैं ज्वाइन किया था तब तक नेटवर्क थ्योरी और मैथ्स खत्म हो चुके थे, मतलब बैच लेट था, लेकिन सर मतलब मेरा पढ़ा हुआ था तो मैंने वो वीडियो के साथ वो कवर कर दिया था। फिर कभी एक आध टेस्ट हुआ तो मुझे याद है सर टेस्ट हुआ था तो मेरा उसमें काफ़ी अच्छा नंबर आया था। तो कविंद्र सर ने शायद वो पेपर सेट किया था ऑफलाइन वो टेस्ट के लिए, तो काफ़ी बढ़िया। मतलब मेरी जर्नी सर मुझे फुल सपोर्ट मिलता रहा हर तरफ से, सोनल सर से, अगर क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम के ग्रुप पे किसी को टैग करके कुछ डाउट पूछो तो मिल जाता था। एक और मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि सर मैं तो ऑफलाइन लिया था, ऑफलाइन हाँ में ये बोला गया था कि सबको वर्कबुक मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर अब तो का ऑनलाइन चलने लगा था 2 महीने से, तो मुझे लगा कि PDF जो मिलता है उसमें मेरा काम नहीं हो पा रहा था। और वर्कबुक तो सर इसमें मेरे गुरुपाल सर ने बहुत मदद की। सर मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा सर गुरुपाल सर को। सर मैं बहुत परेशान था कि मैं PDF से, क्योंकि सर मुझे ऑफिस भी करना रहता था, उसके बाद PDF से सवाल लगाते थे तो मेरे आई को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता। तो मैं सर अपनी दिक्कत गुरुपाल सर को बताया, उन्होंने सर 2 दिन में ही वो वहाँ से पार्सल करवा दिया रायपुर अब भिलाई के सर ऑफिस से, पूरी मेरी बुकलेट का पैकेज। सर मतलब बहुत वो मतलब उसके बाद से मेरी प्रिपरेशन और ईज हो गई। ओके, हाँ सर वो तो उसके बाद आपको सर प्रिंटेड बुक्स जो है वो रायपुर ऑफिस से मिल गया। जी सर, सर मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कितने कलीग को, मेरी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, मैंने गेट अकेडमी टीम के साथ शेयर किया था, लेकिन सर रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा कि सर गुरुपाल सर का नंबर मुझे मिला था टेलीग्राम ग्रुप से, तो सर मतलब ऐसा हुआ होगा कि मेरी कंप्लेंट लॉस हो गई होगी, वो बहुत सारी कंप्लेंट आती होगी। लेकिन सर जब मैंने रिक्वेस्ट गुरुपाल सर के पास पहुंची तो उन्होंने एक आध दिन में ही वो पूरा पार्सल करा दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बोले थे कि वो पैकेज में इंक्लूडेड है, तो अब तुम्हारा ऑनलाइन मिला तो वो तुमको मिलना ही चाहिए। तो वो मतलब एक वीक के अंदर आ भी गया।
हाँ आपने जो एडमिशन लिया था वो ऑनलाइन टू ऑफलाइन में लिया था भिलाई में, और जो सर, कि है ना, और जो कि कोविड की वजह से आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन बन चुकी थी जी सर, और आप सारी क्लासेस ऑनलाइन। आपकी जर्नी में जो रायपुर में आपकी सिस्टर थी शुभांगी पांडे, जो एक्चुअली में मैंने भी उसको पढ़ाया है, उसने ही आपको इंक्लाइन किया है गेट एकेडमी की तरफ, और जी सर, उन्होंने यहाँ की पूरी क्लासेस ऑफलाइन में अटेंड की थी, और वहीं से आप गेट एकेडमी से अटैच्ड हुए, है नहीं? यस सर, जब से मैंने गेट की प्रिपरेशन नई भी शुरू की थी तब से मतलब एक कनेक्शन मेरा गेट एकेडमी से बन गया था। घर में मेरे सब किताबें सर मैंने दीदी से मांगी थी कुछ पढ़ने के लिए, कुछ रेफरेंस, अगर मेरा भी इसी था, दीदी का भी इसी था, तो कुछ रेफरेंस रहता था तो मुझे गेट एकेडमी के मतलब नोट्स या उसके बुक से रिफर कर देती थी यहाँ से पढ़ लो। तो मतलब मुझे मतलब मिला कि गेट एकेडमी का थ्योरी थ्योरी बुक सर उनको मिला था, तो उसमें मैंने काफ़ी वो थी कॉम्पैक्ट थ्योरी थी, जिसमें मतलब पढ़ के डायरेक्ट जो हम समझना चाहते हैं कुछ दाएं बाएं जो समझना चाहते हैं वो रहता था और पढ़ के क्लियर हो जाता। तो मतलब मुझे लगा कि मतलब काफ़ी बढ़िया है, मतलब जो सर होता है ना निचोड़ पूरा, वो उसका निचोड़ लिखा होता है, जैसे BGT मुझे समझने में दिक्कत थी सेकेंड ईयर में, तो पूरा मतलब BGT के बारे में ना, तो एक एक चीज़ जो पूछा जाता था सब क्लियर सर, उसी की वजह से मतलब गेट अकेडमी मतलब ऐसा मैं एक वही सर मैं एक बार डिसाइड कर लिया था गेट अकेडमी तो गेट अकेडमी। अब एक बार डिसाइड करने के बाद में अगर ये सोचे ये नहीं वो ये नहीं वो, तो हमेशा यही रहता है कि उसमें उसके बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, इसके बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ये सर आपकी मतलब एक बात ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि आप मतलब डिसाइड कर चुके थे कि हमारी ट्यूनिंग जिन फैकल्टी के साथ बनती है हमको क्लास उसी के साथ ही करनी चाहिए, और मोर और लेस सारे डाउट्स क्लियर हो ही जाते हैं, और प्रिपरेशन जो है वो ट्यूनिंग वाले फैकल्टी के साथ ही करना चाहिए। और यही आपके सिस्टर के साथ भी हुआ, यही आपके साथ भी हुआ, और आपका जो डिसीज़न है वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट की तरफ आपको मोड़ दिया, और मैं समझता हूँ कि आप वर्किंग हैं अभी भी शायद जी सर, मैं फुल टाइम ना। आपने जॉब कब ज्वाइन किया था? सर मैं 24 जून को मैं जॉब ज्वाइन किया था, मेरी लगभग लगभग 1.5 महीने क्लास हो चुकी थी अच्छा, तो आप जॉब के सर। साथ साथ प्रिपरेशन करते थे, तो जी सर, आप दिन भर में कितना टाइम निकाल पाते थे प्रिपरेशन करने के लिए? एक्चुअली मैं मतलब शेड्यूल सेट था पहले से, एक तो सर ऑनलाइन क्लासेस का अगर मैं वही सर किस्मत का अगर मैं ऑफलाइन ले लेता तो शायद मैं जॉब नहीं कर पाता, हाँ। ऑनलाइन की वजह से मुझे लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिल गए। मैं कोशिश करता था कि जितने लेक्चर्स लाइव हो सके उतना मैक्सिमम निकाल आओ। अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट चलता था, जनरली दो सब्जेक्ट का चलता था एक टाइम पे, तो सर एक सब्जेक्ट का मैं कोशिश करता था लाइव लाइव का और दूसरा रिकॉर्डेड का, तो रिकॉर्डेड वाला मैं सुबह देखता था, लाइव वाला शाम को देखता था, और सर बीच में जितना टाइम मिलता था मैं मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता था, क्रिकेट के सवाल लगाता था, जो भी जितना टाइम मिल पाता था सर, ऐसे करते करते सर दोनों सब्जेक्ट का मोर और लेस हो जाता था। एक हफ्ता आगे पीछे चलता था, लेकिन सर मतलब पूरे सर दिन भर का टाइम नहीं पता चल जाता। सुबह उठे 10 बजे से ऑफिस स्टार्ट होता था, 8 बजे से ही जो 4 घंटे का लेक्चर था उसको 1.5x में देखते थे, तो और फिर उसके बाद 6 बजे 7 बजे खत्म होता था ऑफिस, उसके बाद सिग्नल सिस्टम्स की क्लास चलती थी उस टाइम। सिग्नल सिस्टम सर आपकी जब क्लास चलती थी तो आपका जो टाइम टेबल था वो मेरे टाइम टेबल से एकदम मैच आ गया था। आप सर अच्छा 9 बजे सर ब्रेक देते थे हम लोग को डिनर के लिए, 9-10 बजे, हाँ 6-7 बजे स्टार्ट करते थे, 7 स्मॉल लेते थे, तो 1 घंटा ब्रेक देते थे, एक क्या बोलते हैं 10 से 12 ले लेते, कभी कभी आप 10 बजे स्टार्ट कर देते, दस से हाँ बारह लेते थे, आधे घंटे का ब्रेक लेते थे, हाँ 2 बजे क्लास खत्म करते थे सर। वो मतलब मेरे शेड्यूल के मतलब शाम की क्लास रहती थी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं रहती थी सर। वो मतलब मुझे लगा कि ऐसा कभी मुझे नहीं पड़ा कि ये करूं कि वो करूं कि क्लास छोड़ दूं, कि मतलब ये था कि हाँ एक जगह बैठ गया है तो यहाँ से रात में 2 बजे उठना है, 2 बजे उठ के सो जाना है, फिर यहीं बैठ के स्टार्ट करना है। एक लैपटॉप में ऑफिस का काम चलता था, एक लैपटॉप में क्लासेस चलती थी, लैपटॉप को स्विच करना है, एक कॉपी पड़ी रहती थी, एक कॉपी में नोट्स बनता था, एक कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बढ़िया। तो काफी सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए आप एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं,
आपका जो वर्ड्स है, आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, वो लोगों को जो वर्किंग है और जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट 23-24 के लिए, वो डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे, और आपके थॉट, आपका जो वर्ड्स है उसमें काफ़ी सारा हार्डवर्क दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही हार्डवर्क जो है वो आपको इस रिजल्ट पे लाके लैंड किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप रिवीजन प्लान कैसे करते थे, अगर आपको कोई सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, अभी तो आप वर्किंग है, आप 8 घंटे की ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसके साथ क्लास भी कर रहे हैं, और जो प्रिपरेशन है उसमें रिवीजन का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो आपने अपनी रिवीजन को कैसे प्लान किया था? सर, मैंने लास्ट ईयर में ये नोटिस किया था कि जितना जिस लेवल का नॉलेज जब कोई टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है वो ख़त्म करता है, उस लेवल का नॉलेज अगर आपके जब आप पेपर दे रहे हैं उस टाइम हो, तब आप कभी कोई सवाल गलत नहीं करेंगे। जब कोई आफसर EDC पढ़ाते हैं, जब EDC आप ख़त्म करते हैं स्पेशल डायोड का, हाँ, जब लास्ट टॉपिक रहता है, तो जितना नॉलेज हम लोग को उस सब्जेक्ट का उस टाइम पे रहता है, अगर उतना ही लेवल का नॉलेज अगर हम लोग को जब पेपर या टेस्ट सीरीज देते हैं उस टाइम पे रहे, तो तब वो कभी कोई सवाल गलत नहीं, क्योंकि हम पूरे पूरे हमारे दिमाग में हर प्रीवियस ईयर का हर सवाल रहता है। बुकलेट में कितने वेरिएशन है, एक क्वेश्चन से कितने और क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, जैसा आप क्लास में बताते हैं, तो वो सब रहता है। अब वही चीज़ हम लोग को मेंटेन करना रहता है। तो सर, मैं ऐसा करता था कि ऐसा मतलब समय के साथ सर मतलब रिवीजन का जो मेरा एल्गोरिथम था वो अपडेट होता रहता है। जैसे अगर दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो कैसे करना, अब आगे गया तो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होता, तो मैं मतलब ऐसा नहीं करता था कि जैसे ये जितने ज़्यादा सब्जेक्ट कंप्लीट हैं तो हर सब्जेक्ट का थोड़ा 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 टॉपिक कंप्लीट करता था। सैटरडे संडे सर मेरा ऑफ रहता था, कि सैटरडे संडे जैसे जिसकी क्लास चल रही है उसकी तो चलती ही थी, उसके अलावा जो सर जो सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो चुका था उसको उसको 4 घंटे मुझे देने। और मतलब ये तो समझ में आ गया था कि अब मुझे हर दिन हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है, तभी आखिरी में मुझे पता चलेगा कि 8-10 सब्जेक्ट एक दिन में कैसे मेमोराइज करके रिवाइज करते हैं। तो सर मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट जैसे मेरे खत्म होने लगे, जैसे मुझे 15 दिन हुआ सब्जेक्ट को, अब मुझे पता चल गया था अब जैसे 15 दिन हुआ मैं सब्जेक्ट भूलने लगा। तो सर थोड़ा 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 एक पोर्शन उठाता था नेटवर्क थ्योरी का, जैसे उठा लिया नेटवर्क थ्योरी जो पहला टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम्स का, वो रिवाइज कर लिया। उसमें थ्योरी नहीं है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो सर कम से कम वर्क भी तो सर मैंने 2 बार कंप्लीट लगाया है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा सवाल है, जैसे सिग्नल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में सर उतने क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन सिग्नल सिस्टम नेटवर्क थ्योरी में काफ़ी सवाल है। सर मैंने मतलब क्या बोलते हैं, जब पहली बार लगाया था तो मेरे पास डिजिटल वर्क बुक था, तो उसमें मार्क कर दिया था मैंने सवाल। लेकिन सर जब मुझे नई वर्क बुक मिल गई तो उसमें कोई मेरे पास मार्क सवाल नहीं, तो हर तीसरे सवाल पे मुझे मतलब ऐसा रहता था कि मैं कोशिश करता था कि उस बार ऐसे कैसे किया था फिर मेमोराइज करूँ, लेकिन सर वो गलत कर देता था, क्योंकि अगर मैं याद करके क्वेश्चन लगाऊंगा तो हर नया क्वेश्चन फंसेगा। तो मैं यही कोशिश करता था कि चाहे अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो वहाँ गोला करके रोक दो, फिर जब भी ट्राई करो तो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि तो अगर मैं उसका जैसे सर्किल किया उसका सोल्यूशन देख लिया तो सोल्यूशन पढ़ के लगता है अच्छा अच्छा हाँ ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, अपने मन को मैं तसल्ली दे देते थे कि हाँ ऐसे हो जाएगा, तो फिर आगे आगे बढ़ जाते थे। लेकिन सर मतलब ये थोड़ा मैंने ऑब्जर्व किया था अपने साथ ही कि अगर कोई क्वेश्चन टफ रहता है उसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन तो सर तुरंत समझ में आ जाता है, और अपने दिमाग को सब बता देते हैं कि हाँ ऐसे होगा, इसमें स्टोक्स थ्योरम लगेगा, इसमें ग्रीन्स थ्योरम लगेगा, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल लेके हो जाएगा। हाँ, और फिर जब वही सवाल दोबारा आता है तो फिर हम लोग वही फिर सोल्यूशन देखते हैं, तो हर बार उसी सेट ऑफ क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, इसमें हमेशा से फंसते आए, सर मैं सोल्यूशन देखना ही बंद कर देता था। कुछ कुछ ऐसे मतलब मुझे मिले, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन के ऐसे सोल्यूशन के जो सोल्यूशन जो गिवन सोल्यूशन थे उससे भी आसान थे, तो सर मतलब मुझे काफ़ी सही लगा। इसी इसी से सर जिस टॉपिक पे फंसे उस टॉपिक को वहीं रोक दिए, फिर से उसको मतलब समझने की कोशिश की, फिर आगे बढ़ा, अगर वो टॉपिक नहीं हो रहा है तो उसमें टाइम दिए फिर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। मैथ्स के साथ मतलब ऐसा हुआ था, जैसे कि मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा है, तो मैथ्स ऐसा समझता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो, 20 दिन का ही है,
लेकिन सर मैथ्स से इतने मतलब वैरायटी क्वेश्चन आते हैं कि हर दूसरे सवाल पे जब पीवाईक्यू में लगा रहा था तो हर प्रोबेबिलिटी के हर दूसरे सवाल पे अब कुछ एक नया थ्योरम लग रहा है, कुछ कुछ नई चीज़ लग रही है जो तो मतलब आज पढ़े हो तो कल कर लोगे लेकिन परसों भूल जाओगे। तो सर मतलब उसको मतलब वो क्वेश्चन वाइज पढ़ने के हटा के उसको सर मतलब कंसेप्ट वाइज देखा तो सर उसकी वजह से मुझे सारे सवाल जितने थे मतलब बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थे जो मतलब एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपने मेंटली एस्टेब्लिश कर लिया था, चाहे वो क्वेश्चन से हो, कंसेप्ट से हो, फैकल्टी से हो, और ये जो कनेक्शंस है यही आपको हेल्प कर रहा था क्वेश्चंस को लगाने में, जब एग्जाम में या फिर टेस्ट सीरीज में भी आपने उसी तरीके से उसी कनेक्शन के थ्रू ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी बनाए होंगे। आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे आते थे? सर मैं सच बताऊं मैं अपने रैंक से खुश नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि सर अभी तक मेरा लोएस्ट मार्क्स है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में इस जितना मार्क्स है मेरा गेट में आया 48 मार्क्स आया सर मेरे को, लेकिन सर इतना कम मेरा मार्क्स किसी टेस्ट सीरीज में आता है। तीन अकेडमी की टेस्ट सीरीज थी, गेट अकेडमी, उस अकेडमी और मेरी बच्ची की, तीनों में कुल मिला के हर टेस्ट सीरीज में सब में 10 फुल लेंथ टेस्ट रहते थे तो मेरे 30 फुल लेंथ थे। मैंने 1 जनवरी से ही शेड्यूल बनाया गया था कि आज मैं अगर एक दिन भी मिस कर देता हूँ तो वो टेस्ट मैं गेट से पहले नहीं दे पाऊँ। तो पूरा महीना ही एक 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 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 1 जनवरी से 31 जनवरी तक दी, न्यू ईयर से सर मैंने दी। और सर मैं क्या ही बताऊँ सर, उस दिन मैं जानता हूँ सर जिस दिन गेट का पेपर था उस दिन सर मेरा दिन नहीं था, तो सर मुझे ना ही नींद आई उस दिन, मेरी तबीयत, मैं गया सेंटर पे, वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल के मेरा गला ख़राब था, मुझे वो गर्म पानी लेके गया था, तो प्रोटोकॉल था कि आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल ले सकते हैं, तो फिर उससे मेरा मतलब गर्म पानी रखवा दिया गया और फिर जैकेट और टोपी भी हटवा दी गई जहाँ पर सेंटर पर गया था। तो मतलब मैं पूरा बीमार ही हो गया था पहले पेपर में और सेकंड शेड्यूल में आई एम का पेपर था। तो सर मतलब उस दिन मतलब मैं क्या बताऊँ सर, उस दिन खराब हो गई थी तबीयत, लेकिन सर ये जब मैं अपने आप को बताता हूँ तो मुझे एक सिर्फ एक्सक्यूजेज लगता है अगर मैं किसी को बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं आप जो बोल रहे हो वो एक्सक्यूज अभी तो नहीं लगेगा किसी को, क्योंकि आपका जो थॉट है जो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो वो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, डेफिनेटली ये हमारे आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का वर्क करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दें इसके अलावा जो आपने अभी तक बताया। एक तो आप वर्किंग है, ऊपर से आपने ऑफलाइन कोर्स लिया था वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया, आपने किसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर लिया कि चलो ऑनलाइन में पढ़ लेते हैं, दूसरा आप वर्किंग होने के साथ 8 घंटे की ड्यूटी के साथ क्लासेस करते थे, सैटरडे संडे का टाइम निकाल के आप रिविज़न करते थे प्रॉपर तरीके से, टेस्ट सीरीज में आप उतना अच्छा उमदा नहीं कर पाए, कोविड का सामना हुआ आपसे, फिर भी आप फाइट करके उन सबको जीत के इसी ब्रांच में इस रैंक में लैंड हो पाए, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन है। तो मैं वही बोल रहा था कि आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहें जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो आप कौन से पॉइंट्स उनको बताएंगे ताकि उनका भी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए, और जो भी स्ट्रगल वो लोग फील करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन आपका जर्नी भी बहुत टफ था फिर भी आप डिप्रेशन में नहीं गए, तो कौन से टिप्स आप फॉलो करवाना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को? सर पहला तो सर जब भी कोई मैं नया सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, नया टॉपिक पढ़ता हूँ, नया कुछ भी पढ़ता हूँ, उसका बारे में जितनी भी प्रायर नॉलेज है, प्रायर एजम्पशन है कि ऐसा होता था, ऐसा हम कहीं पढ़े थे, ऐसा कहीं देखे थे, तो उसको पहले हटा दो। अगर कोई चीज़ तुम नए टीचर से पढ़ते हो तुमको मतलब हो सकता है वो टीचर खराब ही पढ़ाता हो या इतना अच्छा पढ़ाता हो कि तुम समझ ही नहीं पाते हो, लेकिन मतलब नया मौका बहुत देना बहुत जरूरी है अपने मतलब कि एकदम अपने माइंड को एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना कोई भी सब्जेक्ट। और मतलब सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट कोई भी आदमी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करे, नंबर और क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं,
आखिरी में सर मैं कितना भी फॉर्मूला पढ़ लूँ, कितना भी शॉर्टकट ट्रिक कर लूँ, जब मुझसे बोला जाता है कि मान लीजिए एक बड़ा सा इंटीग्रल दिया है तो मुझे सॉल्व करने के बोला जाए, मैं कितना भी शॉर्टकट, कितना भी सब्सटीट्यूशन, कितना भी कुछ भी पढ़ लूँ, मैं वही बेसिक चीज़ सब्सटीट्यूशन या लिमिट चेंज या इसी सब पे जाऊँ, मतलब आखिरी में कितना भी कोई शॉर्टकट, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग के दिमाग में शॉर्टकट आते जाते हैं और वही हम लोग नेट अगर किसी एक सब्जेक्ट के 250 MCQ सॉल्व कर लें, सिग्नल सिस्टम में टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम के 250 MCQ सॉल्व कर लें, हम देखते बता देंगे सिस्टम LTI नहीं LTI क्योंकि अभी हम 250 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भूल जाते हैं, और ये भी हम भूल जाते हैं कि LTI सिस्टम में LTI का मतलब ही क्या होता है। तो सर मतलब मैं तो इसी पे फोकस करता था कि थ्योरी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओ, लेकिन थ्योरी अगर दिमाग में अच्छे से बैठी तो उस इंस्टेंट पे जब एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना, तो सर आखिर में वही थ्योरी काम आती है कि LTI सिस्टम में LTI का मतलब लीनियर टाइम वेरिएंट होता है, मतलब डिले टाइम ही काम करेगा, बाकी टाइम स्केलिंग नहीं काम करेगा। ओके सर, मैं मतलब कोई भी चीज़ नहीं पढ़ता था तो उसमें मतलब जैसे थ्योरी, अब सर वो नेटवर्क में, नेटवर्क थ्योरम में सर इतने थ्योरम्स है कि जैसे ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ में सर मुझे पता है कि ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं रहता है, KCL KVL हर जगह वैलिड नहीं रहता सर, मैं मतलब इस छोटे छोटे पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देता था, और उसमें मतलब जब कोई चीज़ कोई टीचर इसे छोटे छोटे पॉइंट को देख के बताता था ना, मुझे सर बहुत डर लगता था, डांडे से बताते थे। हेलो सर, हाँ आ रही आवाज़ आ रही। हाँ सर कॉल आ गया था मुझे। हाँ तो सर मतलब KCL KVL का मैं बता रहा था, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर एनालिसिस में जब हम ट्रांसमिशन लाइन में बात करते हैं उसमें बोल देते हैं कि KCL KVL नहीं वैलिड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में नहीं वैलिड होता है, और लम्ब्ड पैरामीटर एनालिसिस में KCL KVL वैलिड होता है। सर यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स सर मतलब मैं एक जगह नोट करते रहता था, मतलब ट्रांसमिशन लाइन अगर पढ़नी है तो ये सब पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे मेरे लिए, वेदर की क्या बोलते हैं, क्योंकि सर ये सब जो बाकी जो रहता है कि डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन का जो फॉर्मूला है या कैरेक्टरिस्टिक इम्पिटेंस उसका है, सर ये सब तो मतलब आ ही जाएंगे, तो अगर मुझे 10 सेकंड कोई देगा तो मैं उसको डिराइव करके दिखा दूँ। सर मैं यही मतलब हमेशा से फॉलो करता था कि जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो उसे ऐसा पढ़ो कि बस वही से एक सब्जेक्ट, और जब वो उस सब्जेक्ट का कोई एग्ज़ाम दे तो मतलब ऐसा दो कि मतलब तुम ही उसके मास्टर हो, तो ऐसा सर मैं पढ़ता था यही। और सर अगर मतलब ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं या कोई सवाल नहीं आ रहे हैं तो मैं सर उसको मतलब जैसे किसी और से पूछने से पहले वो मतलब अपने आप को ही एक दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम, मैं दोस्तों में ज़्यादा डिस्कस करता था रैदर सॉल्यूशन में सर अप्रोच में ज़्यादा बिलीव करता था, अगर एक क्वेश्चन दिया जब दे दिया गया तो सर मैं कुछ अपने दोस्तों से, मेरे सर MMM के बहुत सारे दोस्त हैं सर, मदन मोहन मालवीय है गोरखपुर में, तो सर वहाँ के सर मेरे जितने भी लोकल दोस्त हैं सर मैं उनसे गेट की बातें डिस्कस करता रहता था, और मैं क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन से ज़्यादा उसके अप्रोच पे ज़्यादा वो करता था, क्योंकि सर अप्रोच ही एग्ज़ाम में काम आती है, सॉल्यूशन तो सर बदल जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो बहुत बढ़िया, आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके रखा जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत इजी हो गया था, और आपने ये सब चीज़ों को खुद से समझा, टीचर को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, टीचर्स के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए, आपका रिवीजन का अपना एक प्लानिंग था जिसकी वजह से आप इस तरीके से कर पाए। आपका फ्यूचर क्या है, MTech या फिर आप किसी PSU को ज्वाइन करने का प्लान किए थे? सर वैसे मैं तो PSU के लिए कर रहा था जब प्रिपरेशन की वजह से, लेकिन सर अभी मैं रियलिटी तो जानता हूँ सर, किस रैंक पे मुझे PSU का कॉल तो नहीं आने वाला है, और PSU की सीट भी कम होती है, लेकिन सर मैं अपनी फुल पोटेंशियल दूंगा COP के काउंसलिंग में, मैंने PGG प्रोग्राम के भी सर रजिस्ट्रेशन कर दिया, वेरी गुड, डेली अपडेट्स भी लेता रहता हूँ किसमें किसमें क्या प्लेसमेंट है, और मैं अगर मुझे जो मैं चाहता हूँ अगर वो मिल जाता है तो मैं बिल्कुल
मास्टर्स परस्यू करूंगा, एक बार भी उसके बारे में सोचूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो, ब्राइट हो, और आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपको फ्यूचर में आगे ले जाने के लिए काम आए। और गेट एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और हम इंटरेक्ट करते रहेंगे इसी तरीके से। जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी आपके एक्सपीरियंस की, आपके मोटिवेशन की हमारे बच्चों को। सो थैंक्स फॉर टुडे सेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम गेट एकेडमी एंड फ्रॉम मी। थैंक यू सर, दिस मीन्स अ लॉट।